मैं हूं नसीर तगाले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज। आज की न्यूज में आपका स्वागत है। किनवट एक आदिवासी जंगल के इलाके से जाना जाता है। किनवट के आसपास बहुत ज्यादा घना जंगल है। इस जंगल में बहुत ज्यादा जानवरों का राज है। शेर, भालू, हिरन, सांभर और भी बहुत सारे इस जंगल में जानवर रहते हैं। हमको रास्ते से आते जाते दिखाई देते हैं। आज से एक महीना पहले घोगरवाड़ी में एक आदमी को भालू ने मार डाला था। इसकी खबर राजधानी दिल्ली तक गई थी। इसमें दोषी अधिकारियों को बदली करके उनके ऊपर गुना दाखिल हुआ था। उसके बाद माहौर के वाई के रुई गांव में एक लड़की पर भालू ने हमला कर जख्मी किया था। उसे सरकारी अस्पताल में दाखिल करने के बाद उसकी जान बच गई थी। लेकिन आज फिर एक घटना घटी। 4 बजे एक बकरी चरावा अपनी बकरियां लेकर आ रहा था। उस आदमी का नाम माधो सांभा मेशराम रहने वाला भीमपुर का। उस पर भालू ने अचानक हमला करके जख्मी किया। माधो मेशराम को गोकुंदा उपजिला रुग्णालय में दाखिल किया गया। उस भालू के हमले में माधो मेशराम की जान बच गई। किनौर वन विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से ये घटनाएं हो रही है। किनौर वन विभाग के ऑफिसर पेट्रोलिंग नहीं करते और वन विभाग का नियंत्रण इस जंगल की तरफ नहीं है। लाखों रुपयों की लकड़ी काटी जा रही है। हर तरफ जंगल खाली हो जाने से इस जंगल के जानवर रोड़ों और पानी की तलाश में घरों में घुस जा रहे हैं। जंगल की आसपास के बेचारे आदिवासी गांव वाले जाए तो कहां जाए। घोगरवाड़ी के इस भालू के हमले में जो जान गई थी उसको इंसाफ मिला। ऐसी घटनाएं ना घटे इस बात का वन विभाग ध्यान दे। असोली लागली होती, आलती रेट होती, दोन होती। तुम्ही काय केलं? मी बकरे काढू बकरे बघे बकरे इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। देखते रहिए आज की।